हयात, तुम प्लेट्स उठाते हुए मुस्कुरा क्यों रही हो? इस मुस्कुराहट की वजह? यानी मेरी खुशी नजर आ रही है? अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। बात यह है कि आज मेरी मुराद की दादी से बात हुई थी, मिसेज आजमी से। हाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी की बात हुई है। मजाक मत उड़ाओ मेरा, वैसे भी एक अरसे के बाद मुझे खुशी मिली है। अच्छा ये बताओ कि क्या कहा उन्होंने? हाँ, दादी ने मुझसे ये बात खुद कही कि मुराद के साथ कोई और है और वो चाहता किसी और को है, और कहा जिससे वो प्यार करता है अगर वो उसका इंतजार करे तो एक दिन वो उसके साथ होगी। ये कोई खुश होने की बात है? और क्यों खुश ना हूं मैं अपेक? इस बात का ताल्लुक मुझसे ही तो है, और इससे ज्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ। मेरा दिल पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। अब और नहीं? हाँ? एपिक, हमें उसे बता देना चाहिए कि दीदम प्रेग्नेंट, कि दीदम प्रेग्नेंट ना हो। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। असली यार, पहले हमें कंफर्म करने दो फिर उसे बताएंगे, समझी? पहले हम जाकर इस बारे में मालूम करेंगे और इस केस के सारे सबूत हमने इकट्ठे करने हैं। सारे सबूत इकट्ठे करके उसके सर पे मारेंगे ताकि दीदम नीचे गिर जाए, समझे मेरी बात को? अब जाके उसके सामने मुंह मत खोल देना तुम। अच्छा एपिक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि पता तो चले दीदम प्रेग्नेंट है या नहीं, फिर बताएंगे उसे। चाहे अब कुछ भी हो जाए, असली हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। हाँ थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा, मगर कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, तुम देख लेना। मैं अकेली? अच्छा मैं भी। थैंक यू।